दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। और ये 10 कंपनीज दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 10 की 10 कंपनीज जो है दोस्तों अपने सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडिंग कंपनीज है। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, पिछले 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो इनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। और ये जो इनके फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, इन कंपनीज के फंडामेंटल काफ़ी शानदार हैं, ये अपने सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट का पहली कंपनी जो है दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो चलिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज के सेशन के अंदर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर थोड़ी सी करेक्शन जरूर देखने को मिली है। वहीं दोस्तों इसका मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 साल पहले लगभग हमें 900-900 के भाव पे देखने को मिलती थी, 800-900 के आसपास, वही कंपनी आज हमें 2500 से ऊपर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर इसका मैं आपको पूरा मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो 2000 में यही कंपनी हमें 50-60 रुपए के भाव में देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को कितने शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं। पिछले 22 सालों में लगभग 4130% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना ही रिसेंटली नया पोर्टफोलियो बनाया है तो प्लीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिएगा। ये मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों, फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में आने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। और ये ऐसी कंपनीज जो है दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाती हैं। मान लो अगर इन फ्यूचर कोई भी पेंडेमिक टाइप से जैसे ना ही आए तो बेटर, अगर आता भी है तो ये कंपनीज बहुत ही कम आपको गिरावट शो करेंगी, अपने इन्वेस्टर को बहुत ही कम गिरावट ये दिखाती हैं। तो दोस्तों ये ऐसी कंपनीज को आपने जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों अगर हमने इसका मैक्सिमम चार्ट तो देख लिया, एक बार इसका मैं आपको 5 साल का चार्ट और दिखाऊंगा। 5 साल में आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई देखने को मिल रही है। वहीं 224% के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स और समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों रिलायंस के फंडामेंटल्स आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है दोस्तों। वहीं अगर हम इनका स्टॉक पीई देखें तो लगभग 27 का स्टॉक पीई अभी हमें देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 0.27% के डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के देती है। वहीं कंपनी की ROCE देखें तो लगभग 9.63 की देखने को मिलती है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 8.15% की। वहीं अगर कंपनी में डेट की बात करें तो 0.36 का डेट देखने को मिलता है। वहीं FIIs ने इस कंपनी में लगभग 24% का स्टेक बाय कर रखा है। वहीं प्रोमोटर के पास इस कंपनी के 51% के शेयर्स देखने को मिलते हैं। वहीं कंपनी अपने 52वीं हाई से लगभग 10% के डिस्काउंट पर जरूर ट्रेड होती हुई देखने को मिले। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो इस कंपनी में दोस्तों आप इसमें SIP करके भी चल सकते हैं, जैसे कि आप हर महीने 1 शेयर या 2 शेयर अपने बजट के हिसाब से इस कंपनी के बाय करके चले तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको ये आने वाले 10 सालों में देखे जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब अपने लिस्ट के सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के सेकंड कंपनी जो है दोस्तों वो है एशियन पेंट्स। तो आप देख सकते हैं एशियन पेंट के अंदर आज के सेशन में थोड़ी सी जरूर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। वहीं कंपनी का भाव आज के टाइम में लगभग 3500 के आसपास जा पहुंचा है, जो कि थोड़े दिन पहले लगभग 3000 के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहीं शेयर का भाव आज लगभग 3460 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसका आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं, तो जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है ये कंपनियां, तो हम इसका लगभग 5 साल का ही चार्ट देखेंगे मिनिमम। हम 1 साल का या 1 महीने का चार्ट के हिसाब से नहीं बाय करेंगे। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई देखने को मिल रही है। जहाँ कंपनी लगभग 5 साल पहले 1100 के आसपास ट्रेड करती थी, वही आज के टाइम में हमें 3000 से ऊपर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने अपने इन्वेस्टर को लगभग 200% के आसपास के रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 5 सालों से अब तक। तो दोस्तों परफॉर्मेंस तो कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। वहीं अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो अगर आप देख सकते हैं सन 2000 से इसने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 20,000% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं। और कंपनी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और एशियन पेंट की दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है दोस्तों वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आने वाली कंपनी है दोस्तों पेंट सेगमेंट के अंदर। और काफ़ी अच्छी पकड़ है इसकी मार्केट के अंदर, इसकी ब्रांड प्रेफरेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है कस्टमर के
प्रति। अगर हम इसकी एक चीज़ और देखें दोस्तों, ये एशिया वर्ल्ड के अंदर तो टॉप 9 कंपनीज के अंदर ही आती है, वहीं अगर हम विद इन एशिया की बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी है दोस्तों पेंट सेक्टर के अंदर। और इनका जो है दोस्तों मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, टॉप लेवल पर काफ़ी अच्छी और मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया तो दोस्तों मेरी राय रहेगी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में, कि ये करंट लेवल पर भी दोस्तों आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, बहुत ही कम टाइम हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं सन 2000 से अभी तक का चार्ट मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल कर देती है ये कंपनी। तो दोस्तों मेरी राय रहेगी इसको भी आप करंट लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स आपके सामने आ गए हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 331,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं अगर स्टॉक पी देखें तो लगभग 93 का स्टॉक पी पर अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो 0.5% का डिविडेंड ये आपको हर साल देती है। वहीं ROC और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो दोस्तों कितना शानदार देखने को मिल रहा है। ROC लगभग 30% का और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 23-24% का। वहीं दोस्तों अगर डेट की बात करें तो कंपनी में ना के बराबर कर्जा देखने को मिलता है 0.1 का। वहीं FIs की बात करें तो लगभग 18% का स्टॉक FIs ने इस कंपनी का बाय कर रखा है। वहीं प्रोमोटर ने इस कंपनी के लगभग 52% की होल्डिंग अपने पास मेंटेन की हुई है। वहीं अगर इसे 52 वीक से हाई की बात करें तो लगभग डिस्काउंट की बात करें तो वहाँ से ये कंपनी अभी लगभग हमें 4% के डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसको भी आप अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं और धीरे धीरे SIP भी कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो चलिए अब हम अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए इसकी नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, जिसको आप फेविकॉल के नाम से भी जानते होंगे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो इसको भी करके चल सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। अगर आज की बात करें तो आज के सेशन में इसमें लगभग 1% से ज़्यादा की हमें बढ़त देखने को मिली है। वहीं शेयर का भाव आज हमें 2,250 से ऊपर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर इसका मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी ने कितने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए अपने इन्वेस्टर को, लगभग 212% के। वहीं शेयर लगातार हमें अपवर्ड मूव देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अब इसको भी बाय करके चल सकते हैं। जहाँ शेयर का भाव दोस्तों हमें लगभग 1,000 से नीचे देखने को मिलता था सन 2018 में, वही आज हमें 2,500 के ऊपर देखने को मिल रहा है शेयर का भाव। अगर मैं इसका आपको दोस्तों मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसने अपने इन्वेस्टर को सन 2000 से अभी तक कितने शानदार रिटर्न निकाल कर दिए हैं, 14,655% के। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है और जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा मोट देखने को मिलता है। और इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं दोस्तों, पहले से अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी इन्होंने अपने बढ़ाए हैं, जहाँ पर एडिसिव्स और ये सन प्रूफिंग के भी प्रोडक्ट्स लेके आ रही है मार्केट में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में करके चल सकते हैं। और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे मार्जिन है इनके, केमिकल के नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। तो इसको भी बाय करके चल सकते हैं, करंट लेवल में बाय करके चलने की राय रहेगी आपको। वहीं अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो पीडीलाइट के फंडामेंटल्स आपके सामने आ गए हैं स्क्रीन पर। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक पी अभी लगभग हमें 107 का देखने को मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 24 की देखने को मिलती है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो 0.4% का डिविडेंड भी निकाल कर देती है। और कंपनी की ROC देखें तो 26% की ROC भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, और ROE 20% की। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% की प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रही है। और FIs ने भी इसके अंदर स्टेक बाय कर रखा है दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने लगभग 11% का स्टेक बाय किया है। और डिस्काउंट की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 7% के डिस्काउंट में भी कंपनी देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अब अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि केमिकल सेक्टर से ही मैंने ली है। तो दोस्तों हमारे लिए इसकी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। और आरती इंडस्ट्रीज़ दोस्तों आज के सेशन में लगभग हमें फ्लैटी क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। जहाँ पे अगर हम इसके पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 268% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनके चार्ट में एक चीज़ बहुत ही हमें कॉमन देखने को मिल रही है, जो कि है दोस्तों इनकी जो मूविंग जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल कांस्टेंट मूविंग देखने को मिल रही है इसके शेयर प्राइस के अंदर। और लगातार दोस्तों ये अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार चार्ट हमें देखने को मिलता है आरती इंडस्ट्रीज़ का। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करो दोस्तों, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है। कंपनी का टॉप लेवल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अगर इसके प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो 100
100 से ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स हमें आरती इंडस्ट्रीज़ के पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई और बहुत पुरानी जानी मानी कंपनीज है केमिकल सेक्टर के अंदर। और बात करें तो दोस्तों, ये मिड कैप सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी मिड कैप ही होते हुए लेकिन रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे निकाल के देती है और इनके परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इसका, मैं आपको 5 साल का चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, वहीं अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाऊं तो कंपनी सन 2003 में लिस्टेड हुई, तो वहाँ से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को देखो 30,000% के रिटर्न निकाल के दिया। और जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किए वो तो इस टाइम करोड़ों में बैठे होंगे दोस्तों। तो आपने भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर, काफ़ी शानदार कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। करंट ऐप पर मेरी बाय करके चलने की राय है आपको। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 1168 का हमें हाई देखने को मिला था, वहाँ से अब ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, लगभग 400 रुपये के आसपास की करेक्शन हमें देखने को मिली है इसके शेयर प्राइस में। वहाँ जहाँ भी 800 के आसपास मेरी बाय करके चलने की राय रहेगी आपको, इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने अब तक ऐड नहीं किया है तो आप इस लेवल पर करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं आपको फंडामेंटल और आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल आप देख सकते हैं, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। अगर स्टॉक पी की बात करें तो लगभग अभी 22 के पी पे चल रही है, जहां कंपनी का पी हमें 23-24 का देखने को मिल जाता है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 22% की ROCE देखने को मिलती है और ROE 27% की। वहीं अगर FIs की बात करें तो FIs ने कंपनी में लगभग 11-12% का स्टेक बाय कर रखा और प्रमोटर के पास लगभग 44% का स्टेक देखने को मिलता है, और कंपनी अपने हाई से लगभग 30% का डिस्काउंट पर भी देखने को मिलती है। तो इसको भी दोस्तों करंट लाइफ पर बाय करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। तो हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों, वो है HDFC बैंक। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमें और कंपनीज़ के अंदर केमिकल सेक्टर्स के अंदर जैसे हमें आने वाले समय में ग्रोथ देखने की मिलेगी, ऑयल सेगमेंट के अंदर, कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर, जिन भी सेगमेंट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी उसका सीधा बेनिफिट दोस्तों हमें बैंक्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों पैरेलल मूव करती है बैंक्स की। अगर कोई सा भी सेक्टर हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा, मान लो अगर प्रॉपर्टी का रियल इस्टेट सेक्टर हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उन चीज़ों का दोस्तों हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है। दोस्तों एक आध अगर आप बैंक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो दोस्तों HDFC बैंक या ICICI बैंक में से आप किसी भी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दोस्तों दोनों ही बैंक काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी के लिए मैंने HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया, तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में HDFC बैंक को ऐड करके चल सकते हैं। जहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो आज के सेशन में लगभग हमें इसमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में भी हमें सेम रेट्स ही देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसके 5 साल की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं देखने को मिली हमें HDFC बैंक में, लगभग 60% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये चलता है तो दोस्तों पकड़ में नहीं आएगा। HDFC बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इन्हीं लेवल पर आपको धीरे धीरे SIP के थ्रू आपने कुछ क्वांटिटीज इसकी बाय करके चलना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखें, पिछले 5 साल का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। अगर लो की बात करें तो लगभग 738 का इसने लो लगाया था और 1725 का हमें हाई भी दिखा चुका है। अगर मैं इसको मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, पिछले अगर हम 20-22 सालों की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल कर दिया, लगभग 8.5% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं इसने अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, लगातार इसका चार्ट भी हमें अपवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन देता हुआ देखने को मिलता है। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं HDFC बैंक का फंडामेंटल दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों HDFC बैंक के फंडामेंटल्स आपके सामने आ गए हैं। तो अगर आप मार्केट कैप की बात करते हो, लगभग 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाती है। वहीं स्टॉक पी हमें 20 ही देखने को मिल रही है। जहाँ इंडस्ट्री पी की बात करते हो, लगभग 16 का इंडस्ट्री पी देखने को मिलता है। वहीं कंपनी का ROC हमें 6% और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 16% का देखने को मिलता है। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग हमें 25% की देखने को मिलती है और FIs की 32। और अगर हम इसमें डिस्काउंट की बात करें तो दोस्तों अपने ये हाई से लगभग हमें 17% के आसपास के डिस्काउंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने इसकी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों हमारे लिए इसकी नेक्स्ट कंपनी जो है वो है TCS। तो TCS अगर आप देख सकते हैं आज के सेशन में लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली है, 3350 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर दोस्तों ये 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं जो HDFC बैंक ने लगभग पिछले 5 साल में 60% के रिटर्न निकाल के दिए थे, वहीं TCS ने 164% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी हमें लगातार अपवर्ड मूवमेंट को देता हुआ देखने को मिला। तो करंट लाल पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट जरूर हमें देखने को मिला है। 3300 का इसका काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट था, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था वहाँ जाओ, जिसको अभी क्रॉस करके 3300 की क्लोजिंग हमें देता हुआ देखने को मिल चुका है। तो करंट लाल पर भी दोस्तों आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। अगर आप इसमें धीरे धीरे SIP करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है TCS, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और IT सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसमें मेरी बाय करके चलने की राय रहेगी, करंट लाइव पर आप बाय करके चल सकते हैं। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 4000 से ऊपर का इसने अपना हाई लगाया था। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने खुद अपनी कंपनी के ही शेयर्स हम इन्वेस्टर्स से 4500 के रेट पर खरीदे थे, और ये अभी आप देख सकते हैं वहाँ से कितने ज़्यादा डिस्काउंट में है। जहाँ 4500 में कंपनी ने खुद खरीदे थे शेयर, और अभी ये 3300 के आसपास ट्रेड होते देखने को मिला। तो करंट लाइफ पर भी दोस्तों आप TCS के अंदर बाय करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइम के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे के जाएगा। वहीं अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 20-22 सालों में कंपनी ने लगभग 2646% के बहुत शानदार रिटर्न निकाल के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और कंपनी के फंडामेंटल्स और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर दोस्तों मार्केट कैप की बात करें, वहीं दोस्तों अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो हमें लगभग 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की देखने को मिल जाती है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 31 के स्टॉक पी पर अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, जहाँ पर इंडस्ट्री की पी हमें लगभग 26 की देखने को मिल जाती है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है 1.28% का। और कंपनी की ROC की बात करें तो ROC 55 और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 44% की बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। और प्रमोटर होल्डिंग लगभग 72% की देखने को मिलती है। और कंपनी का FIs की होल्डिंग्स देखें तो 13.5% की देखने को मिल जाती है। अगर कंपनी के डिस्काउंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से कंपनी में लगभग 17% का डिस्काउंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अपने इसकी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। हमारे लिए इसकी नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो आज आप देख सकते हैं लगभग आज के सेशन में ही फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। लगभग 7300 के आसपास हमें बजाज फाइनेंस क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसकी आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में 323% के रिटर्न निकाल कर दिया। कंपनी बहुत ही शानदार दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल्स की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। अगर मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों इससे अच्छा मल्टीबैगर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। पिछले 22 सालों की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,62,000% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। मतलब जिस जहाँ कंपनी का लो की बात करें तो हमें 2 रुपये का शेयर देखने को मिलता था, और वही शेयर आज हमें 7300-7500 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का हाई की बात करें तो लगभग 8000 का ये हाई भी लगा चुकी है कंपनी। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, अगर जिसने भी ये शेयर 2 रुपये में ख़रीदा होगा तो वो तो आज करोड़ों के अरबपति बन चुका होगा दोस्तों आज के टाइम में बजाज फाइनेंस वाला। आप भी इसको करंट लाइव पर बाय करके चल सकते हैं। अगर धीरे धीरे शेयर का प्राइस थोड़ा महंगा है या तो 2 मंथ्स की SIP लिख करके चल सकता है। 2 मंथ्स में एक शेयर आपने बजाज फाइनेंस का खरीदना है। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये जो 10 शेयर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इनमें अगर आप 10 के 10 से वीडियो हर महीने भी खरीदोगे ना, तब भी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देके जाएगी। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रैक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इन 10 शेयर्स के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो इसके भी मैं आपको फंडामेंटल दोस्तों दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 4,43,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाती है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 51 के स्टॉक पी पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रही है कंपनी। जहाँ इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 26 की देखने को मिलती है। वहीं कंपनी का ROC देखें तो 10 से ऊपर का देखने को मिलता है 10.3 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का। और प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट देखने को मिल रही है कंपनी 56% की। और वहीं FIs की होल्डिंग देखो दोस्तों, तो FIs की होल्डिंग लगभग हमें 20% की देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और कंपनी दोस्तों ये लोन जरूर लेती है, तो डेट तो है ही क्योंकि ये फाइनेंसिंग का काम करती है। तो 3.78 की डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखने को मिल रही है, तो जो कि बुरी नहीं है इस कंपनी के हिसाब से, फाइनेंसिंग कंपनी है।
वही अगर इसमें डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई से लगभग कंपनी के अंदर 10% का डिस्काउंट भी हमें देखने को मिला। तो दोस्तों इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए अब अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी जो है वो है टाइटन इंडिया। तो टाइटन भी आप देख सकते हैं, टाइटन के अंदर आज के सेशन में हमें लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 2473 के आस सॉरी 2423 पे क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर इसका 5 साल का चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कंपनी ने कितने शानदार रिटर्न निकाल के दिए अपने इन्वेस्टर को, लगभग 300% के रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर हम इसके 5 साल के लो की बात करें तो कंपनी 500-600 पर ट्रेड किया करती थी, वहाँ से अभी ये लगभग 2400-2500 के आसपास देखने को मिलती है। और कंपनी के हाई की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 2768 का हाई भी लगाया और कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों। इंडिया के वॉरेन बफेट के पास भी ये कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर देखने को मिलते हैं, लगभग 23-24% का उन्होंने अपने कंपनी अपने पैसे लगभग टाइटन के अंदर ही लगा रखे हैं। और जहाँ इन्होंने सन 2002 में कंपनी को ख़रीदा था, तो मैं देखना चाहूँगा 2000 के आसपास कंपनी किन रेट्स पर ट्रेड किया करती थी। राकेश झुनझुनवाले ने उसी टाइम पे इस कंपनी को ख़रीदा था, लगभग 1-1.5 या 2 रुपये में इन्होंने कंपनी को ख़रीद रखा है दोस्तों। और वही शेयर का प्राइस आज हमें 2423 पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम पिछले 22 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 32,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिए हैं, 32,000%। तो बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको भी होल्ड करके चल सकते हैं। तो इसके फंडामेंटल और आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों टाइटन के फंडामेंटल्स आपके सामने आ गए हैं। जहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2,15,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें कंपनी की देखने को मिलती है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 21% का, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें लगभग 26% की देखने को मिल जाती है कंपनी की। वहीं FIs की बात करें तो FIs ने लगभग 16% का स्टेक कंपनी में बाय किया और प्रमोटर के पास लगभग 52% की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात करें तो 12.5% का हमें डिस्काउंट कंपनी में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। और एवेन्यू सुपरमार्ट भी आप देख सकते हैं आज के सेशन में लगभग फ्लैट क्लोजिंग मिली है, 4240 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। वहीं दोस्तों अगर इसके 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम टाइम पे हमें इसमें करेक्शन देखने को मिली थी, बस रिजेंट टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, जो कि अब ये कवर अप करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो लगभग 370% का रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 5 सालों में। और ये अपना होल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 5,900 पे कंपनी जा चुकी थी, वहाँ से अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर चुकी है, 4200-4300 के आसपास कंपनी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसको भी आप दोस्तों करंट लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। इसका मैक्सिमम चार्ट और दिखाना चाहूँगा तो इसकी रिसेंटली लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा पुरानी कंपनी लिस्टिंग नहीं है। जहाँ ये शेयर 600-700 पर ट्रेड कर रहा था दोस्तों, वही आज ये लगभग 4200 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये राधा किशन धमानी जी की कंपनी है, तो दोस्तों फंडामेंटल की तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं, लगभग 2,74,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड अभी नहीं देती है। वहीं अगर स्टॉक पी की बात करें तो 134 के पी पर ट्रेड हो रही है। वहीं इंडस्ट्री पी 285 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 और रिटर्न ऑन इक्विटी 11 का देखने को मिलता है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 75% और FI होल्डिंग लगभग 9% की देखने को मिलती है। और डिस्काउंट की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी 30% का डिस्काउंट पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मौका है दोस्तों, इसको भी क्वालिटी कंपनी है, इसमें भी आप SIP करके चल सकते हो, इसको भी आप करंट लेवल पर बाय करके भी चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपनी लिस्ट की लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं अब हम। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी जो है दोस्तों वो है रिलैक्सो फुटवेयर। तो ये भी फुटवेयर सेगमेंट में दोस्तों मार्केट लीडिंग कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। ये भी काफ़ी टाइम से दोस्तों 1000 का लेवल नहीं तोड़ पा रही थी और अभी ये 1000 का इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम भी कर रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में भी हमें इसमें फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है। वहीं दोस्तों इसका 5 साल का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न निकाल के दिए अपने इन्वेस्टर को, 344% को, कंपनी लगातार अपवर्ड ट्रेंड करती हुई देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई की बात है तो लगभग 1450 के आसपास कंपनी जा चुकी थी, वहाँ से अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। तो ये भी इसमें भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है करंट लाइव पर दोस्तों, इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। वहीं दोस्तों इसका मैक्सिमम चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा, सन 2000 से आप देखें कंपनी में लगातार अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिला है, जहाँ इसने पिछले 22 सालों में अपने इन्वेस्टर को 7000% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के दिए हैं। दोस्तों करंट लाइव पर भी मेरी बाय करके चलने की राय रहेगी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। वहीं दोस्तों अब इसका फंडामेंटल आपको मैं दिखाना चाहूँगा।
तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल आपके सामने आ गए हैं। तो मार्केट कैप की बात करें 25,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं स्टॉक पी देखो आप 105 का देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री पी हमें 50 का। तो स्टॉक पी जरूर डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी दोस्तों वैल्यूएशन और इनका जो कस्टमर बेस है जो काफ़ी तगड़ा कस्टमर बेस देखने को मिलता है। जिन्होंने रिलैक्सो की चप्पल या जूते लेने तो उन्होंने रिलैक्सो के ही लेने हैं, दूसरी ब्रांड प्रेफरेंस वो इतनी जल्दी नहीं दिखाते। वहीं अगर ROC देखें 17 का ROC देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.5 का देखने को मिलता है। वहीं FIs के ने भी इसमें बाय कर रखा है लगभग 3.15% का। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है 70% की। अगर डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30% के डिस्काउंट पर भी करंट लाइव पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट का 10 शेयर जिनमें आप SIP करके चल सकते हैं और करंट लाइव पर भी बाय करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिगनर है और स्टॉक मार्केट में अभी तक आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और करना चाहते हैं, तो ये 10 शेयर मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर आप बाय करके चलिएगा, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी। और आपको अगले 1 साल या 2 साल तो नहीं, अगर आप 5 साल तक भी इसको होल्ड करते हो बहुत ही शानदार रिटर्न देके जाएंगी ये कंपनियाँ। और प्लीज़ अगर आपने मेरे कहने से अगर ये कंपनियाँ होल्ड कर रहे हैं बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको 5 साल तक जरूर होल्ड करिएगा। और दोस्तों ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो 10 कंपनी है खुद के मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने बाय करके रख रखी हैं और मैंने बहुत नेचुरल स्तर पर इनको बाय किया था, अब इनमें मेरे को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों करंट लाइव पर आप भी इनके अंदर बाय करके चल सकते हैं, SIP भी करके चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है अपस्टॉक्स का, वहाँ पे जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा अगर आपने इनमें से कोई भी शेयर बाय किया है तो। थैंक यू दोस्तों।